everybody, and welcome to Cope with Hope. Today, I've asked Panditji to talk to us about the Vedic Havan and its benefits. It has great benefits for all. Even if you just keep your eyes closed and listen to it, it'll be beneficial for you. Often what I do is, while Panditji is chanting, I light a diya and I keep putting oil to it as he says swaha. Any way you like, it'll be beneficial for you. I've written the translation below in English for all those who don't understand Hindi. Pandit ji, aap hame please Vedic Havan ka arth boliye aur uske benefits. Thank you. हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हवन को हम दो प्रकार से बोलते हैं. कई लोग उसे यज्ञ भी बोलते हैं और हवन भी बोलते हैं. हवन वो होता है जिसमें हम स्वाहा स्वाहा आहुति देते हैं. यज्ञ जो है वो कई प्रकार का है, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम जो है वो यज्ञ ही है. और यज्ञ का अर्थ होता है, देखिए, यज्ञ, देव पूजा, संगति करण और दान. यानी ये सब चीजें जो है वो यज्ञ में आती है. देव पूजा यानी साधु महात्मा विद्वानों का सत्कार करना भी एक प्रकार का यज्ञ है. संगतीकरण, जो हम सत्संग करते हैं या किसी चीज को, हम अच्छी चीज को सुनते हैं, वो भी क्या है? यज्ञ है. और चौथी चीज बताई है दान. क्योंकि यज्ञ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो दान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है. क्योंकि हम हर मंत्र के बाद में बोलते हैं स्वाहा. स्वाहा का अर्थ होता है कि हे प्रभु, ये आपके द्वारा ही दिया हुआ है, आप ही को अर्पण है. यानी हम आहुति देते हैं उस समय. तो कहा कि इसी प्रकार यज्ञ, देव पूजा, संगतीकरण और दान. अच्छा, वहां पर दान का अर्थ देखिए कई प्रकार के शब्दों में आता है. दान का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को पैसा दें वो ही दान होता है. नहीं, प्रभु कहता है कि दान का अर्थ है, अगर प्रभु ने हमें विद्या दी है तो हम दूसरों को विद्या दे के और उनका भला करें. अगर प्रभु ने हमें शरीर से बलवान बनाया है तो हम असहाय लोगों की सहायता करें, वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है. तो कहा कि यज्ञ, देव पूजा, संगतीकरण और दान, इन चारों चीजों को जोड़ते हुए अगर हम इस चीज को करते हैं तो यज्ञ के कई अर्थ हैं. लेकिन मूल अर्थों में यज्ञ का अर्थ आता है कि जिन मंत्रों को हम बोलते हैं उन मंत्रों के सभी के अपने अपने अर्थ हैं. जैसे सबसे पहला हम मंत्र बोलते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव. उस प्रभु से हम देखिए सबसे पहले किस चीज की कामना को करते हैं कि हे प्रभु, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, इस सारे संसार का जो दुख है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उन सबको आप हमसे दूर कर दीजिए. और यद भद्रम तन आसुव, जो कुछ अच्छी चीजें हैं, कल्याणकारक है, वो आप हमें प्राप्त कराइए. तो ये जो चीजें हैं देखिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है. और यज्ञ को आपको पता है कि आज कहा जाता है, यज्ञ को कहा जाता है यज्ञो वै देवानाम मुखम. सभी देवताओं का जो मुख है वो क्या है? यज्ञ है, हवन है. वो जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं वो सभी देवताओं का मुख माना जाता है. और इसीलिए उसके अंदर देखिए सभी देवताओं की हम आहुतियां भी देते हैं. क्योंकि जैसे जैसे मंत्र आते जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम प्रातःकालीन हवन करते हैं तो उसमें आता है सूर्य ज्योति है, उस सूर्य देव के लिए हम आहुतियां देते हैं. तो ऐसे ही सारे देवताओं को हम जो है वो आहुतियां समर्पित करते हैं. और उस देव से, उस यज्ञ के द्वारा हम जो मेन रूप से प्रार्थना करते हैं वो है कि प्रभु, आप हमें जीवन में सुख शांति प्राप्त कराएं. क्योंकि देखिए शांति जो है वो कब मिलती है? किसी के पास पैसा है उससे शांति नहीं मिलने वाली है. पुराने समय में एक श्लोक आया करता था, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान. कि देखिए वो संतोष रूपी धन जो है वो क्या है? वो हमें तब मिलता है जब हम यज्ञ जैसी चीजों से जुड़ते हैं या उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं. क्योंकि हमें अंदर से शांति जब किसी चीज की मिल जाती है तो फिर हमारे लिए ये सब क्या है? गोधन. यानी पुराने समय में आपने देखा हो तो लोगों के पास में जो धन होता था वो क्या होता था?
कि देखिए जी इनके पास में हजार गायें हैं, यानी गो रूपी धन है, गोधन गज धन, या इसके पास में हजारों हाथी है। वाजी धन, वाजी कहते हैं घोड़े को, घोड़े रूपी धन होता था पहले, ये पैसे वाला धन नहीं होता था। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, अगर हमारे पास में रत्नों की खान भी हो तो भी हमें सुख नहीं मिल सकता है। सुख कब मिलेगा? जब आवे संतोष धन, वो संतोष रूपी धन हमें प्राप्त होगा तो हमें सुख मिलेगा। और संतोष रूपी धन जो है वो हमें कब प्राप्त होगा? जब हम इन यज्ञों के द्वारा, या जो भी हम जो है हमारी प्रभु के प्रार्थना करने की हमारी जो भी शैली है उसके द्वारा हम उसका जो है वो स्मरण करें, उसे याद करें। और जीवन के अंदर देखिए, अभी जैसे हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, वेद मंत्रों का आप स्वयं उस चीज का अनुभव करें कि जब आप जो है उन मंत्रों का पाठ अपने घर के अंदर अगर कभी करते हैं तो कई दिनों तक वो वाइब्रेशन अपने घर के अंदर घूमता हुआ रहता है, क्योंकि शब्द जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो कहा कि उस शांति को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी जो चीजें हैं, वो चाहे हम यज्ञ समझो, गीता समझो, या कोई और चीजें समझो जो हमारी धार्मिक चीजें हैं, वेद मंत्रों को समझो, तो ये सारी चीजें हमें क्या है, सुख और शांति दोनों चीजों को देने वाली है। लेकिन आज आप और हम ये सोचते हैं कि शांति और सुख जो है वो शायद पैसों के अंदर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख और शांति अगर आपको चाहिए तो आपको यज्ञ के द्वारा, यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। और यज्ञ के जो है देखिए अनेक प्रकार के अर्थ हैं, सभी मंत्रों के बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं, मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ वो छोटा सा अर्थ बताया है विश्वानिदेव के भी आधे वाक्य का ही, कि प्रभु से सबसे पहले ऐसे ही जब आत्मदा बलदा ये मंत्र बोलते हैं तो प्रभु से हम क्या मांगते हैं? आत्मिक बल। क्योंकि जब अगर हमारे अंदर आत्मिक बल होगा तभी तो हम दुखों को सहन कर सकते हैं, अगर आत्मिक बल ही नहीं होगा तो हम दुख को कैसे सहन करेंगे। और यज्ञ के देखिए तीन गुण मुख्य हैं, जो हम उसके अंदर सामग्री घी वगैरह डालते हैं उन चीजों के द्वारा जो है सब जो सामग्री है उसके जो गुण है वो है सुगंधित, पुष्टिकारक और आयुवर्धक, यानी सुगंधि को फैलाना। क्योंकि हमारा यह कर्तव्य है कि जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो वायुमंडल की शुद्धि करना हमारा कर्म है। तो कहा कि वो कर्म कब हो? जब हम यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं, उस आहुति के द्वारा जो वो सामग्री के द्वारा जो सुगंधि चारों दिशाओं के अंदर फैलती है उसके द्वारा क्या है कि वायुमंडल की शुद्धि होती है। और देखिए अगर आप देखें तो उसी चीज को ब्रह्म भोज भी कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ को ही हम ब्रह्म भोज भी कहते हैं। अगर आप देखिए किसी को भोजन कराएंगे तो कितने लोगों को कराएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100, 500, 1000। लेकिन यज्ञ के अंदर आपने अगर किसी चीज की आहुति दे दी तो अग्नि का गुण है किसी भी चीज को विस्तृत करना, फैलाना। अगर हमने उसके अंदर जो है वो आहुतियां दी तो वो आहुतियों के द्वारा वो सूक्ष्म रूप से अग्नि उसे जो है वो वायुमंडल के अंदर मिलाती है, और वायुमंडल के अंदर मिलने के बाद वो हमारे श्वास के द्वारा जाके और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो इसीलिए जो है हमें जीवन के अंदर यज्ञों को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस यज्ञ से या वेद मंत्रों से या जिस प्रकार भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर जीवन में सुख और शांति को हम चाहते हैं तो इन चीजों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अन्यथा जो है और किसी चीज से हमें सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। और यज्ञ देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में सारे सामान हो तभी आप हवन कर सकते हैं। आपके पास में अगर सामान नहीं है आप उसे डेली सुनिए, सुनने के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा और जो आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर जो वाइब्रेशन उसका बनेगा, उसके द्वारा भी आपको कितनी शांति मिलती है वो हम जब इसे अपनाएं तो स्वयं जो है वो अनुभव कर सकते हैं। जी पंडित जी, थैंक यू। बेसिकली व्हाट पंडित जी सेइंग सम वेरी सिंपल थिंग, दैट्स द रीजन व्हाई वी डू द यज्ञ इज फॉर सुख एंड शांति, दैट इज फॉर कंटेंटमेंट एंड पीस। And without contentment and peace, what is life? That is the greatest wealth. And he's saying it's very easy. You can just even listen to it because the words then spread
into your environment, spread outside into the building, spread into every cell in you, and give you peace and quiet. So even listening to it has great benefits. And basically, it's for contentment and peace. And contentment and peace are the biggest wealth a human being. We get the peace and contentment from money. But we actually get the peace and the contentment when we go inwards, when we sit and listen to these wonderful mantras, when we sit quietly and just be with ourselves. And that is the greatest gift we can give ourselves. थैंक यू पंडित जी. पंडित जी, और कुछ आपको बोलना है हमारे ऑडियंस को? हाँ तो नहीं, बस अभी देखिए सबको जो है कम से कम, मान लीजिए हवन आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इसी इसको सुने, अपने जीवन के अंदर उतारें. क्योंकि देखिए वेद मंत्र तो सारे ऐसे ही हैं. अगर आप देखें तो वेद मंत्रों का अर्थ आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी है, यानी उन्होंने जो है अर्जुन को उपदेश दिया था और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है जिसे आप और हम क्या बोलते हैं, गीता. जी है, गीता जो है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों का अर्थ है. सिर्फ 2 मंत्रों का अर्थ है. उन 2 मंत्रों के अर्थ में इतनी बड़ी गीता लिखी जी है. तो कहा कि अगर हम देखिए जब इस चीज को करते हुए रहें तो क्या पता कब कौन सा शब्द हमारे जीवन के अंदर उतर जाए और हमें हर प्रकार से सुख और शांति प्राप्त होने लगे. वाह पंडित जी. पंडित जी इज सेइंग, इवन इफ वी जस्ट लिसन टू दिस, हु नोज व्हेन वी विल बी ग्रेस्ड विद इवन वन वर्ड दैट विल रिवर्बरेट इन एवरी सेल ऑफ आवर्स एंड चेंज आवर लाइव्स फॉरएवर. हाय पंडित जी, आपके बोलने के नहीं, क्योंकि देखिए इसमें एक उदाहरण तो हर व्यक्ति के सामने है बहुत बड़ा, जो वाल्मीकि ऋषि थे. अगर वाल्मीकि ऋषि का इतिहास हम सुने तो वाल्मीकि ऋषि का असली नाम था डाकू उंगली मार. वो बहुत बड़े डाकू थे. हाँ जी है, और बहुत बड़े डाकू थे. जंगल के अंदर ये रूल था उनका कि जब वहां से लोग जाते थे तो वो लोगों की उंगलियां काट लिया करते थे और उसकी माला बना के पहनते थे. एक बार एक ऋषि जब वहां जो उस जंगल के अंदर जाने लगे तो जब उनको रोका गया कि भाई नहीं, अंदर जो है ऐसे ऐसे वो हैं और आप अंदर मत जाइए, उस ऋषि ने कहा, बोले नहीं मैं जाऊंगा. और वो ऋषि गया. ऋषि ने जाके उनको कई प्रकार के उपदेश दिए और उन उपदेशों से उनके अंदर जो बदलाव आया, उस बदलाव को आप और हम देखते हैं कि उन्होंने रामायण नाम का जो है, वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख दिया. तो यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सी चीज कब हमारे जीवन के अंदर आके लगे और हमारा पूरा जीवन ही बदल जाए, जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो. जी पंडित जी, थैंक यू. पंडित जी थैंक यू, आपने हमें बहुत बहुत अच्छी चीज सिखाया है. वी रियली लर्न समथिंग वंडरफुल फ्रॉम यू टुडे. थैंक यू वेरी मच पंडित. ओके, नमस्ते बहन जी.